तो आज की हम क्लास में बात करेंगे डायनेमिक चार्ट के ऊपर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी दुबई से। राकेश जी ने स्क्रीन दे दिया, साथ में रिकॉर्डिंग की परमिशन भी दे दिए ताकि रिकॉर्ड कर सके आप। यस सर। और हम रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सेशन को, तो आज हम बात करेंगे डायनेमिक चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स डायनेमिक क्यों कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको चीजें पता चल जाएंगी कि मैं डायनेमिक शब्द का यूज क्यों किया। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे देख पा रहे कि मैंने एक नेम लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और यहाँ पे मंथ होगा, तो मंथ वाइज और नेम वाइज मेरे पास सेल्स है। और हम एक छोटा सा डेटा तैयार करिए। देखिए क्या होता है कि छोटे डेटा पे हम पहले बताते हैं तो उसका इफेक्ट आपको समझ में आता है, जब उसकी कंसेप्ट को उसका वर्किंग प्रोसेस को समझ जाते हैं तो उसको बड़े डेटा पे लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया, अब मैंने इस पर अगर चार्ट बनाता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कल हमने आपको इसके बारे में बताया भी था कि अगर मान लीजिए मैंने इसकी चार्ट बनाया तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है ना, बड़ा भी कर दे तो फिर भी मुश्किल है। और फिलहाल तो मेरे पास 9 नाम है, लेकिन हो सकता है कि वो 90 हो सकता है कि 100 हो, राइट सर? तो अब इस केस में हम कैसे करेंगे कि अगर 90 हुआ 100 हुआ तो हम कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सेल के डायनेमिक मेथड को। तो मैं क्या करूंगा कि देखिए मेरे पास किस पर्सन ने कितना सेल किया है इससे कोई लेना देना नहीं है, किस पर्सन ने कितना सेल किया है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे तो इसमें ये बताना है कि पर्सन ने मंथ वाइज कितना सेल किया है, पर्सन ने मंथ वाइज कितना सेल किया है, मतलब कि मुझे जो चार्ट बनानी है इस तरह से नेम वाइज बनानी है, इस तरह से, राइट? ठीक है। पर प्रॉब्लम है कि मेरे पास से बहुत सारे नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहां एक ड्रॉप डाउन बन जाए, मैं जो ड्रॉप डाउन में नेम सेलेक्ट करूं वो उसी का नाम यहां शो करे। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि मैं इसके लिए हम क्या करें बताते हैं आपको, कि पहले तो हेडिंग को लेते हैं, यहां से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, हमें मैनुअली 1 लिखते हैं और ऑफसेट का फॉर्मूला लगाते हैं। हम बोलते हैं कि ऊपर से एक रो का डेटा उठा लीजिए, 0 colon 1 row। अब ड्रैग करने से पहले जो 1 है ना उसको हम कर देते हैं फ्रीज, और फिर इसको आगे की तरफ करते हैं ड्रैग, और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट करते हैं चार्ट्स, राइट? अब इस चार्ट को जहां ले जाना है वहां ले जाइए, और जा करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे 1 के जगह पे 2 करता हूँ तो ये देखिए मोहन का आ गया, 3 करता हूँ तो ये आपका कविता का आ गया। देखिए अभी भी मैं इस चीज से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर गिनने पड़ेंगे फिर डालने पड़ेंगे। तो डेवलपर टैब में आपको आना होगा, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल मेनू बार में जाइए, ऑप्शन में जाइए और यहाँ कस्टमाइज रिबन के अंदर में डेवलपर टैब आपको दिखेगा। डेवलपर टैब के अंदर जो इंसर्ट है ना इसमें दो चीज दिखेगी, कुछ बटन्स वगैरह दिखेंगे, हेडिंग में फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल है। एक्टिव कंट्रोल को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इस पर आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, फॉर्म कंट्रोल पे आइए। फॉर्म कंट्रोल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट किया और चार्ट के ऊपर अपना कॉम्बो बॉक्स डिजाइन कर लिया, फिर राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल और यहां पे हम इनपुट रेंज को लेते हैं,
इनपुट रेंज, रेंज का इनपुट रेंज मतलब कि इसके अंदर लिस्ट जो आएगा ना किसका आएगा, नेम का लिस्ट आएगा। हाँ, फिर सेलिंग ए लिस्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस कहाँ प्रिंट करेगा, तो हमने बोला कि यहाँ प्रिंट करेगा। और 3D सेलेक्ट कर दिया तो थोड़ा सा 3D शेडिंग में आएगा, अच्छा दिखेगा। देखिए अब जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया, मैंने यहाँ पे पूजा सेलेक्ट किया, तो पूजा हमारा पहले नंबर पे है ना, तो नंबर वन A14 पे डाल देगा। जैसे A14 पे नंबर वन डालेगा, ऑफसेट अपने हिसाब से अपना फॉर्मूला चेंज कर देगा। मोहन सेलेक्ट किया तो मोहन आएगा, कविता सेलेक्ट किया तो कविता आएगा, इंदर सेलेक्ट किया तो इंदर आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक हम डायनेमिक नेम रेंज की भी बात करेंगे चार्ट के अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मंथ वाइज ही टोटल, मैंने मंथ वाइज मेरा एक सेल्स समरी है, और जैन फैर मैं मार्च अप्रैल मई जुलाई इस तरह से है, तो जुलाई तक तो मेरा डेटा, जून तक, जुलाई का भी हुआ नहीं है, जून तक मेरे पास डेटा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने अगर जून तक का डेटा पे चार्ट बना दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ चार्ट को, तो चार्ट इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक सिंपल सी चीज दे सकते हैं। वो सिंपल सी चीज क्या है कि आपको जून तक आ गया, बट जुलाई का क्या, अगर जुलाई का डेटा इसके नीचे ऐड होता है तब क्या करेंगे। तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं जिसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका है, उसके बारे में जान कर लेते हैं। पहला तरीका ये है कि मैं चार्ट को सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज कर दूं, या दूसरा तरीका है कि मैं 12 तक ले जाता हूं। ठीक है ना, अब दोनों में प्रॉब्लम है, एक तो आपको बार-बार ड्रैग करना पड़ेगा, दूसरा अगर आपने रख दिया तो ब्लैंक जगह दिखेगा। मैं दोनों नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने आप मेरा चार्ट जो है नंबर आए तो बढ़ा ले, घटे तो घटा ले। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं अपनी ऑफसेट फॉर्मूले की मदद लेता हूँ। ऑफसेट फॉर्मूले में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, रेफरेंस नंबर, रो नंबर हम यहाँ पे 1 देते हैं और कॉलम नंबर 0 देते हैं, हाइट, हाइट में मैं काउंट ए का फॉर्मा लगाता हूँ। देखिए इसमें हेडिंग भी है, इसलिए -1 कर देता हूँ। विड्थ हमने 1 दे दिया है, यस कीजिए, तो आप देख पा रहे हैं कि जैन फैब सब कुछ आ गया। अगर मैं इसको सम फॉर्मूले के अंदर में डालूंगा तो एक चीज आप यहाँ देखेंगे, जब मैं फॉर्मूला एवरेज करूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है। तो काउंट ने काउंट लिया 8 में से -1 गिना, ऑफसेट को मिला कि A1 से एक रो 0 कॉलम, 7 रो लो एक कॉलम का पकड़ो, तो 7 माने A1 से 7 रो पकड़ होगा। उस हिसाब से देखिए A2 से लेके A8 का क्या बना दिया, एड्रेस बना दिया। और जैसे कि मैं बताया कि हर चार्ट के अंदर यहाँ पे एड्रेस डालते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम ऑफसेट का फॉर्मूला नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिंक होता है, पिवट हो चाहे पिक्चर्स हो चाहे आपका सेल्स हो, वो आपका सेल लिंक फॉर्मूले के जरिए लिंक नहीं होता है। समझ गए? ओके, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसको कॉपी करना है और डिफाइन नेम में चला जाना, क्योंकि डिफाइन नेम जो है ना वो किसी भी तरह के फॉर्मूले को लेता है, और उसके बाद डिफाइन नेम हर ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब लगाएं फॉर्मूला तो इसको फ्रीज जरूर कीजिएगा, फ्रीज नहीं करिएगा तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा।
और यहाँ पे इसमें हम एमएम ला देते हैं मंथ के लिए। सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे कॉलम वन कर देता हूँ, मैं अगली कॉलम सेल्स का कॉलम कर देता हूँ, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिर वापस हम इस ऑफसेट फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और डिफाइन नेम में जाते हैं, और यहाँ पे डिफाइन नेम में यहाँ हम कर देते हैं एस एस और हम पेस्ट कर देते हैं अपने फॉर्मूले को इक्वल के साथ। बट यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें फ्रीज करना है एंड ओके। अब मैं अपने इसको सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे ये आया हुआ था, इसके जगह पे एम एम, और ये जो था हमारा सीट फोर जो था ये इसके जगह पे एस एस कर देना है सेल्स के लिए, ठीक। एस एस में कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एम एम फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है सही है, और एस एस फॉर्मूले में आते हैं तो एस एस फॉर्मूला हमारा एस एस फॉर्मूला ही वर्क कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? अच्छा हाँ, सीट के आगे का नेम मत हटाइएगा, ठीक है, सीट नेम मत हटाइएगा, शायद इससे भी प्रॉब्लम हुआ है। सॉरी डॉलर साइन हटाना होगा, हाँ ठीक है, सीट नेम मत हटाइएगा। अब मैं यहाँ पे अगस्त का डालूंगा तो डालते ही देखिए अगस्त का कॉलम आ गया, और हम डिलीट करते हैं तो कम जाएगा। इसको डायनेमिक रेंज विथ चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं, मान लीजिए मुझे इसमें टारगेट ऐड किया हुआ है, टारगेट, और यहां पे मैं टारगेट्स के लिए अपने नंबर्स दे देता हूं, और यहां मैं यहां पे ट्रू फॉल्स देता हूं, और यहां पे कंडीशन देता हूं कि इफ अगर ए इक्वल टू ट्रू है तो टारगेट को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक हो जाओ। और आगे बढ़ने से पहले मुझे बी 14 को फ्रीज करना होगा, ठीक है, और चार्ट में मैं इसको कंसीडर कर देता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि चार्ट तभी दिखे जब मैं चाहूं, चार्ट तभी दिखे जो जब मैं चाहूं, तो इसके लिए हम यहां आते हैं और ये जो हमारा ये देखिए चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को लेते हैं यहाँ पे टिक कर देते हैं, राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इसके जगह पे हम दे देते हैं टारगेट, इसको फॉर्म कंट्रोल में आते हैं 3D सेटिंग के साथ हम इस ट्रू के साथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है सर। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, समझ गए? तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए अब इसमें और भी है, जैसे मान लीजिए मुझे इसी में इसी तरह से और भी चीज है, जैसे कि ये आपका स्पाइन बटन है, स्पाइन बटन में चाहता हूँ कि नेक्स्ट और प्रीवियस दिखे, ठीक है, इस पर राइट क्लिक कर, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए,
फॉर्मेट कंट्रोल में जाइए, और यहाँ मैंने बोला कि स्टार्टिंग जो है वन है और एंडिंग जो आपका है वो है एट, और सेल लिंक में मैंने दे दिया, ठीक है। और मैं यहां से नेक्स्ट 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 प्रीवियस प्रीवियस, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रीवियस में सर वो नेम भी चेंज होगा नहीं? क्या नेक्स्ट प्रीवियस करने से ये नेम के अगेंस्ट में नेम भी चेंज होगा या नहीं? हो रहा है ना, देखिए अच्छे अच्छे हाँ हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। बस दो ही आ रहा है ना, कब पुनीत और कब कभी पुनीत और कभी नहीं, पूरा है पूरा आएगा, देखिए बारह डाल बातें यदि नंबर ज्यादा हो गया ना, अच्छा दस हो गया, नौ हो गया, आठ हो गया, अच्छा इससे ज्यादा नहीं आ रहा है, और इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ गलती की है कंट्रोल में। ये देखिए आठ ऊपर आ गया, यहाँ होना चाहिए था वन, ठीक है वन से आठ, और देखिए एक आ गया, सॉरी करेंट वैल्यू एट आ गया, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे वन होगा, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एट होगा, ऊपर करेंट वैल्यू को मिनिमम वैल्यू मान रहे थे सर, अब सही है। ठीक है है? समझे? इसी तरह से इसमें आप जो है आपका लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स है, सेम लिस्ट बॉक्स होता है, रेडियो बटन सेम इस तरह से लगा सकते हैं, रेडियो बटन चेक बॉक्स की जगह रेडियो बटन, नहीं रेडियो बटन का एक अलग एग्जांपल देता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, राइट, गुड मॉर्निंग, राइट, वी आर प्रोवाइडिंग द मास्क सनग्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन क्लासेस बाय जूम, वी आर वर्किंग प्रोफेशनल सो वी गिव द क्लासेस ऑनलाइन, यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस फ्रॉम जूम, you are joining my classes from June. Yeah. No, only for online classes. Advanced Excel with formula, duration is the 1.5 hour, fees is the 7,500. Monday to Friday, 5 days a week. Timings morning 5 a.m. for the first class and last 11 p.m. the night. In between you can join the 1 hour class which you have the free and you have suitable. No. Thank you. 3D setting और यहाँ से हमने इसको choose कर लिया. Okay. क्लिक करूंगा तो वन आएगा, यहाँ पे जैन आ जाएगा, अब इसी को मैं अब इसी को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, भाई तो यहाँ पे नहीं रखना है मुझे, अब मुझे इसके चार्ट पे रखना है ना, और इसको नीचे ड्रैग करने करते समय मुझे A14 को फ्रीज कर देना, और फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट चार्ट, और
इसको उठा के ले आते हैं, ये यहां से हमने मूव किया तो पीछे आ गया, राइट क्लिक विंग फ्रंट, इसके ऊपर मुझे रखना चाहिए था लेकिन ये मेरे पास एक माउस नहीं है ना, सो दिक्कत हो रहा है। इसमें क्लिक करते ही क्या आ रहा है, ये आ रहा है फोर, मतलब कि अप्रैल, एडिट ए बी आर, ठीक है ओके। जो क्लिक करते वन आ रहा है, चलिए नीचे ले जा रहा है, यार देखिए चार्ट के बाद करना आपको, ठीक है। ऐसे करने से ये पीछे चला जाता है ऑब्जेक्ट के, और इसको ब्रिंग फ्रंट करने के बाद भी ऊपर नहीं आता, ठीक है। मैं इसके फॉर्मेट कंट्रोल में जाता हूँ, नहीं इसको साइड राइट क्लिक करके सेंड टू बैक। अच्छा अब मैंने चार्ट को सेंड टू बैक कर दिया है, तो क्या आएगा इसको, हाँ आवाज आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे क्या है, मार्च है, इस पे करने पे ये हमारा अप्रैल है, ये हो जाएगा हमारा फैक्ट। इसी तरह से आपको सजा देना है, ठीक है। तो इस तरह जितने मंथ्स है सब डालना, हाँ जो भी डालना चाहते हैं, मंथ ही नहीं और भी चीज डाल सकते हो, तो मार्च कर दिया। तो जैसे मैं इस पे एक क्लिक करूंगा तो पहला जो है इसमें वन आएगा, इस पे क्लिक करूंगा दूसरा है टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, और जैसे नंबर बढ़ेगा ऑफसेट अपना आपका रिजल्ट चेंज करते रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास डेटा काफी ज्यादा है, जैसे नेम करता हूं, हो गया फॉलो, अब इतने बड़े एरिया पे तो हम चार्ट लगा नहीं सकते क्या सर? हाँ मैं चाहता हूं कि मेरा चार चार बंदों का कंपेयरिंग है, तो इसको क्या कैसे करेंगे? तो मैंने यहां पे कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने मान लीजिए पांच, मुझे चार को दिखाना है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली वन लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देता हूँ फॉर्मूला ऑफसेट, यहाँ पे कर्सर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा जीरो। अब ए वन जो है हमारा ए वन जे सेवन, ए वन का वन हमारा फ्रीज होगा और जे सेवन का भी हमारा सेवन, जे सेवन पूरा फ्रीज होगा। और इस पे मैं कर देता हूँ प्लस रो रो, और रो में दो है तो दूसरे पे रो लगा रहे ना हम, तो दो आएगा तो माइनस टू कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम आगे की तरफ नीचे की तरफ ड्रैग कर देते, तो क्या रो का क्या फंक्शन है सर? क्या रो रो क्या करता है?
बेसिकली हमें क्या चाहिए बताता हूँ, यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे इस तरह चाहिए, ये चाहिए, फिर इसमें हम जे सेवन जो वन है ना, वन प्लस वन करना है, क्या करना है, ओके प्लस वन करना, जे सेवन ये राजेश है प्लस वन करना, ठीक है, इसमें रहना वन, इसमें हमें करना है प्लस वन, इसमें करना है हमें प्लस टू। तो ये जो रो फॉर्मूला क्या करता है, रो फॉर्मूला क्यों लगाया, कि जब रो फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे तो फिर मैनुअली वन टू थ्री सारे में करने पड़ जाएंगे ना आपको। हाँ जैसे मैंने जीरो यहाँ पे किया, प्लस वन फिर प्लस टू करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस टू करना पड़ेगा, ऐसे प्लस थ्री करना पड़ेगा, प्लस फोर करना पड़ेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो रो फॉर्मूला रो नंबर देता है, तो मैंने इसमें से माइनस टू कर दिया, क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। नीचे ड्रैग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव आया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो सेम थिंग यहीं पे मिल गया आपको, वन टू थ्री फाइव, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ इसे मैंने रो फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब मैं इस पे लगाता हूँ चार्ज, ये वन को नहीं लेता हूँ, मैंने इस पे मान लीजिए ए वाली चार्ज लगा ली, ठीक है, और इसको आगे तक हम ड्रैग भी कर देते हैं। अब इसमें हम डेवलपर में एक होता है हमारा स्क्रॉल बार, दिख रहा है स्क्रॉल बार, अब इस स्क्रॉल बार को मैं यहां तक ड्रैग कर देता हूं, ठीक है, फिर इस पे राइट क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल बार पे फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू वन होगी, मैक्सिमम वैल्यू हंड्रेड होगी, और पर सेल लिंक में हमने इसको ए ले लिया, जहाँ पे मैंने बोले वन लिखा हुआ था, तो ऑन कर दिया। अब इससे क्या होगा, देखिए जैसे कि आप यहाँ दिख रहा है ना आपको सर ए, और एक एक बार में आपको स्क्रीन क्या दिखता, बाईस ही दिखता है ना, जब आप स्क्रॉल करते हैं तो दो से लेके तेईस, तीन से लेके चौबीस, दिख रहा है ना सर। तो सेम चीज यहाँ पे हो गई कि जब मैंने इसको यहाँ देखिए अभी दिख रहा है सर, जितना ऊपर जितना विजिबिलिटी है उतना दिखेगा। हाँ जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वन था, तो वन से लेके फोर तक का दिख रहा है, यहाँ से रवि तक, मैंने कि यहाँ से तू दो से लेके छह तक का दिख रहा है। जैसे आप एक यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो क्या होगा, अब दो से लेके सात तक का दिख रहा है। ओके इस तरह से स्क्रॉल क्रिएट कर सकते हैं, ओके ये हमारा स्कोर बॉल सर। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और साथ में आप